Good morning, dear all students. Now today we are going to start a new chapter, a new topic of writing skill. यानी आज हम लोग राइटिंग स्किल के एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे. आपको याद होगा पिछले क्लास में इससे पहले राइटिंग स्किल में जो आपका लेटर टू एडिटर था, फॉर्मल लेटर था, वो सब हमने आपको बताया था. उसके बाद नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नोटिस, हाउ टू राइट अ नोटिस. यानी आज के क्लास में हम आपको नोटिस लिखना सिखाएंगे. वैसे सुनने में ये बड़ा छोटा वर्ड्स लगता है और जनरली सबके माइंड में आती है कि नोटिस दैट इज़ अ वेरी इजी, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर इसको अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर हम लिखते हैं तो इस रूल के बेस पे हमें नोटिस तैयार करना होगा. ये अगर कहीं लिखने के लिए आपको किसी ऑफिस वगैरह में दी जाती है या फिर कहीं एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अराइज होते हैं तो आपको इसी फॉर्मूला, इसी रूल के बेस पे नोटिस को लिखना होगा. सबसे पहले हाउ टू राइट अ नोटिस. नोटिस हम लोग कैसे लिखेंगे, इसके लिए देयर आर सम ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स. यानी हमारे सामने ऊपर में कुछ वैसे फैक्ट्स हैं, यानी कुछ वैसे पॉइंट्स हैं. ये सारे जो आप पॉइंट्स देख रहे हो ये वैसे फैक्ट्स हैं. वी शुड केयर व्हाइल राइटिंग एनी टाइप ऑफ नोटिस. तो जब भी हम नोटिस को लिखते हैं उस दौरान ये सारी बातें हमारे माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि तभी जाकर हमारा नोटिस परफेक्ट होगा. अब देखिए उसमें क्या क्या आपको माइंड में रखनी है, ध्यान से समझेंगे. पॉइंट फर्स्ट, नोटिस मस्ट बी रिटेन इनसाइड द बॉक्स. जनरली हम लोग पहली गलती क्या करते हैं, नोटिस को यूं ही बाकी पैराग्राफ की तरह, ऐसे की तरह लिख देते हैं. नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए. इट इज़ ऑलवेज रिटेन इनसाइड द बॉक्स. यानी नोटिस को हमेशा बॉक्स के अंदर लिखना है. ये चीज़ आगे के फॉर्मेट में भी मैं आपको बताऊंगा. फॉर्मेट इसके बाद हमने दिया है उसमें और क्लियर हो जाएगा आपका. पहले कुछ पॉइंट्स के बारे में जान लीजिए. उसके बाद पॉइंट नंबर सेकेंड, वर्ड शुड बी लिमिट. बहुत सारे लोग लिखना शुरू किए, इधर उधर की बातें उसमें ऐड कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. वर्ड शुड बी लिमिट, यानी वर्ड लिमिटेशन होना चाहिए, वर्ड्स की कैपेसिटी होनी चाहिए. और अगर हम नोटिस की बात करें तो इट इज़ मोस्टली रिटेन इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स. और कोई भी नोटिस हमारा ज़्यादातर 40 से 50 वर्ड्स का ही होता है. आप कभी कभी देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन में ही वो वर्ड्स ऐड किए रहते हैं. उसमें आपका दिया रहेगा कि इट इज़ रिटेन इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स. और समटाइम इट विल ऑल्सो गिवेन डैट इट इज़ रिटेन अंडर 50 वर्ड्स. यानी कभी कभी ये 50 वर्ड्स के नीचे लिखना है, उसमें यू आर फ्री टू राइट 20, 30, 40 वर्ड्स. तो पॉइंट सेकेंड भी आप समझ गए होंगे, फर्स्ट भी आपका क्लियर हो गया. अब पॉइंट थर्ड की बात करते हैं. थर्ड और फोर्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको हमेशा ऑलवेज आपके माइंड में रखना होगा, हमेशा ध्यान में रखना होगा. सेंटेंसेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर. अब जब हम लोग नोटिस का सब्जेक्ट मैटर लिखना शुरू करते हैं, हमारे माइंड में क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन दिया रहता है, उसी का हम लोग सब्जेक्ट मैटर लिखते हैं. तो उस क्रम में हमारा वो सब्जेक्ट मैटर का जो सेंटेंस होगा डैट शुड बी क्लियर एंड शॉर्ट. बहुत लंबे लंबे सेंटेंस नहीं लिखने हैं, क्योंकि हमारे पास वर्ड बहुत कम है. तो हमारा जो भी सेंटेंस यूज होगा वो आपका शॉर्ट होगा और साथ में क्लियर होगा अकॉर्डिंग टू टेंस. ये अक्सर हम गलती कर बैठते हैं. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की अगर हम बात करें तो ये सारे स्ट्रक्चर हमने आपको पढ़ाया है, बताया है, और नोटिस लिखने के दौरान वो सारे स्ट्रक्चर आप माइंड में रखेंगे
आपको हमेशा केयर करनी होगी कि हमारी टेंस की कहीं पे एरर ना हो। अगर प्रेजेंट में लिखना है तो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में हो, पास्ट में लिखना है पास्ट में हो, फ्यूचर में लिखना है फ्यूचर में हो, ये किसी भी टेंस में हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, यानी जिस तरह का क्वेश्चन होगा उसी के हिसाब से आप इसको लिखेंगे। क्लियर? अब पॉइंट नंबर डी, ये इसी से रिलेटेड है। वी शुड ऑल्सो केयर अबाउट द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर ग्रामर की बात की जाए, बहुत जूनियर क्लासेस से लेकर यहाँ तक आप लोग ग्रामर पढ़ते चले आए, लेकिन इस नोटिस को लिखने के दौरान वी शुड ऑलवेज केयर अबाउट द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ड्यूरिंग द सब्जेक्ट मैटर, स्पेशली इन सब्जेक्ट मैटर। कान की फॉर्मेट तो आप सही लिख दोगे, लेकिन सब्जेक्ट मैटर में आपको क्या केयर करना होगा? ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। तो वी शुड ऑलवेज केयर अबाउट द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ड्यूरिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द नोटिस। नोटिस का जब भी आप सब्जेक्ट मैटर दें तो वहाँ ग्रामर की एरर ना हो। टेंस के अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे नाउन है, वर्ब्स हैं, प्रीपोजिशन है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको वो नोटिस के जो सब्जेक्ट मैटर होते हैं उसके सेंटेंसेज को पूरा करना है। ये ऑलवेज आपके माइंड में होनी चाहिए। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 5, इस पर हम ध्यान देते हैं। द अबव ऑल फॉर्मेट, यानी नोटिस के लिए जो आप फॉर्मेट बनाते हो, जो ढांचा तैयार करते हो, वहाँ पे द अबव ऑल फॉर्मेट ऑफ नोटिस मस्ट बी रिटन ओनली इन कैपिटल एंड बोल्ड लेटर। हम लोग अक्सर ये गलती कर बैठते हैं, चूँकि आदत बनी हुई है स्मॉल लेटर लिखने की। लेकिन नोटिस का जो भी फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हमें कैपिटल लेटर, बोल्ड लेटर, यानी बोल्ड का अर्थ है कि थोड़ा सा एक बार आप ओवर राइटिंग कर दें तो ज़्यादा बेटर, और उसी तरह से इसके फॉर्मेट को पूरा करना है। सबसे जो आखिरी पॉइंट है इसका, एट द एंड ऑफ द नोटिस हियर वी शुड ऑलवेज राइट नेम विद पोस्ट, यानी लास्ट में जल्दी में हम लोग क्या करते हैं, नेम और पोस्ट लिखना भूल जाते हैं। तो आप, यानी द पर्सन हु इज राइटिंग अ नोटिस, यानी वो व्यक्ति जो एक नोटिस लिख रहा है, इट इज़ नेसेसरी डैट ही हैज़ अ पोस्ट, उसके पास श्योर है कि कोई ना कोई एक पोस्ट होगी, उसे एक पोस्ट दिया गया होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और उस नेम ऑफ पोस्ट और साथ में विथ नेम एट द एंड ऑफ द नोटिस यू विल हैव टू राइट, यानी नोटिस के लास्ट में आपको नेम विथ द नेम ऑफ पोस्ट ये ज़रूर ऐड करने हैं। तो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट आप लाइन्स कह सकते हो, फैक्ट्स कह सकते हो, और ये सभी लाइंस, सारे फैक्ट्स, दे आर नेसेसरी व्हाइल यू आर गोइंग टू राइट एनी टाइप ऑफ नोटिस। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में ये सारे पॉइंट्स आ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे मेनली, वो है इसका फॉर्मेट। और फॉर्मेट भी अगर सिर्फ आप माइंड में रखते हो तो हमें लगता है कि विदाउट एनी हेजिटेशन यू विल बी एबल टू राइट एनी टाइप ऑफ नोटिस। नाउ वी आर गोइंग टू फॉर्मेट ऑफ नोटिस। अब हम लोग इसके फॉर्मेट के ऊपर चलेंगे। आप ध्यान से देखो इस फॉर्मेट को। सबसे पहले हमने एक बॉक्स बनाया, आप भी इसी तरह से एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में सबसे पहले ऊपर में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिस संस्था के लिए आप नोटिस लिख रहे हो वो संस्था का नाम सबसे ऊपर में, और इट शुड बी ऑलवेज रिटन इन कैपिटल एंड बोल्ड लेटर। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, ये आपको ऑलवेज याद होनी चाहिए कि ये हमारा कैपिटल लेटर हो, बोल्ड लेटर हो। तो सबसे पहले हम लोग नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऐड करेंगे। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी गैप लेंगे, ये जो देख रहे हो प्लेस छुटा हुआ है, ये गैप लेंगे, और उसके जस्ट नीचे
जो चीज़ हम लिखने जा रहे हैं यानी वही हेडिंग देंगे और वो हेडिंग हमारा होगा नोटिस, और इसको थोड़ी सी ओवर राइटिंग कर देंगे ताकि ये हमारा बोल्ड हो जाए। अब इन दोनों के बीच में जो आपने गैप लिया है उसी लाइन में हमेशा ध्यान रखना है, उसके राइट हैंड साइड में आपको डेट ऐड कर देना है। अब डेट लिखने के भी तरीके हमने आपको राइटिंग स्किल पढ़ाने के दौरान बताया होगा। हम लोग जनरली 12 13 18 लिखते हैं, उस तरह से डेट नहीं लिखना है। सपोज़ कीजिए टुडे सिक्स आज 6 तारीख है और कौन सा महीना, जुलाई, यानी 6 जुलाई 2020। इस तरह से आप डेट दोगे, ना कि वो आप जो लिखते हो 6 7 2020 ये सब नहीं देना है। इट इज़ अ रॉन्ग आइडिया, इट इज़ अ रॉन्ग मेथड। एंड नाउ आफ्टर दिस हियर वी हैव टू राइट अ सुटेबल हेडिंग, इट शुड बी रिटन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यानी उसके बाद एक सुटेबल हेडिंग जो कि आप क्वेश्चन से निकालोगे, इसके लिए अलग से कहीं कुछ नहीं लाना है, जो जिस तरह का क्वेश्चन आपके सामने होगा उसी से एक आप हेडिंग निकाल लोगे। और इट इज़ आल्सो रिटन इन कैपिटल लेटर, और इसको भी आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है, हमेशा ध्यान रहे। ये हेडिंग थोड़ा आई कैचिंग हो, अट्रैक्टिव हो, वो इसलिए कि सबसे पहले आप देखोगे जब भी हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सबसे फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, हेडिंग पढ़ते हैं। हेडिंग अगर इंटरेस्टिंग हुआ तो बाकी चीज़ों को पढ़ते हैं, और अगर वही नहीं रहा तो फिर हम उसके बाद के लाइंस को केयर नहीं करते। तो इसलिए नाउ हियर योर हेडिंग शुड बी अट्रैक्टिव, योर हेडिंग शुड बी आई कैचिंग, एंड देन नाउ यू विल स्टार्ट टू राइट द नोटिस। उसके बाद आप नोटिस लिखना स्टार्ट करेंगे। वैसे स्टार्टिंग के लिए बहुत सारे वर्ड्स आपको आपके बुक्स में मिल जाएंगे या आपके माइंड में भी होंगे। वैसे हमने एक स्टार्टिंग के लिए छोटा सा लाइन दे दिया है, जनरली आप इसका भी यूज कर सकते हो। इट इज़ हियर बाय इन्फॉर्म टू ऑल टीचर्स, टू ऑल स्टाफ, टू ऑल ऑडियंस, जो भी लिखना होगा उसके बाद आप लिख सकते हो। नोटिस हमेशा ध्यान रखिए, इट इज़ ऑलवेज रिटेन टू द पॉइंट, इसको टू द पॉइंट लिखना है, इधर उधर की बातें नहीं लिखनी। अब इसके बाद जो आप लिखना चाहते हो, जो आपका नोटिस है, जो पॉइंट है, उसी को आप यहाँ पे ऐड करोगे। यानी उसके बाद आप सब्जेक्ट मैटर के ज़रिए अपने नोटिस को पूरा करेंगे, वर्ड की लिमिटेशन भी ध्यान रखेंगे, और साथ में यू शुड ऑलवेज केयर अबाउट द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ड्यूरिंग राइट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द नोटिस। Not only grammatical mistakes, your sentences, they should always be short and clear according to tense. तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप सब्जेक्ट मैटर को पूरा करोगे। उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे फॉर्मेट में, जो कि वहाँ हमने बताया था, नेम ऑफ द पोस्ट, और ये जो नेम ऑफ द पोस्ट है ये आपको दिया जाएगा। इसके बाद देखिए हमने क्वेश्चन ऐड किया है, इसमें हमने लिखा यू आर द हेड ऑफ योर कोचिंग सेंटर, तो हेड दैट इज द नेम ऑफ माय पोस्ट। अब यही हमारा पोस्ट हो गया। यहाँ मान लीजिए यू आर द हेड बॉय हम कर देते हैं, तो आप यहाँ लिख दोगे नेम ऑफ द पोस्ट के जगह पे हेड बॉय, और उसके नीचे फिर अपना नेम, ये होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इस नोटिस को कंप्लीट करोगे। अब ज़रा इसके बेस पे हमने क्वेश्चन दिया जो आप प्रैक्टिस करोगे, या फिर इसके अलावा बहुत सारे बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं, क्वेश्चन भी हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इसी बेस पे ये जो जितने सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं इसको बेस मानकर इस फॉर्मेट को लेकर हमें वो नोटिस पूरा करने हैं। ज़रा हम क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। व्हाट इज़ क्वेश्चन? You are the head boy of your coaching center. आपको अपने कोचिंग सेंटर का हेड बॉय बना दिया गया, सपोज कर लेना है, ये मान लेना है। The authorities
ऑफ कोचिंग, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी ऑनर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, दे ऑल हैव डिसाइडेड टू गो ऑन अ एजुकेशनल टूर। ये सारे लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हम सभी लोगों को एक बार एजुकेशनल टूर पे जाना है। वी ऑल हैव टू गो फॉर अ एजुकेशनल टूर फॉर 3 डेज 4 डेज, जितने भी डेज हैं उसके लिए। इसमें आपका 3 डेज है, यानी 3 दिनों के लिए आप सारे मेंबर्स अपने ऑर्गेनाइजेशंस के, अपने इंस्टीट्यूशंस के, अपने कोचिंग के मिलके ये तय किए कि यू विल हैव टू गो ऑफ ऑन अ एजुकेशनल टूर फॉर 3 डेज। अब इसके लिए एज अ हेड बॉय, चूँकि आप हेड बॉय हो तो यू विल हैव टू राइट अ नोटिस। आपको एक नोटिस ऐड करनी है इन अबाउट, यहाँ वर्ड लिमिटेशन भी दिया हुआ है 40 to 50 words, इन्फॉर्मिंग ऑल द स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये सारे डिटेल्स जो लिखते हैं, ये जो सब्जेक्ट मैटर हुआ, इसी में लास्ट में, अब जैसे हमारे टाइमिंग क्या है, उसका जाने का खर्च क्या है, साथ में कितने लोग जाएंगे, ये सारी चीज़ें हमारा ये सब्जेक्ट मैटर में आ जाना चाहिए। यहाँ आपको क्वेश्चन में रहेगा राइट ओनली डिटेल्स, तो इसको ध्यान में रख के वो सारी चीज़ें आप यहाँ ले आओगे, तब जाकर वो आपका नोटिस कंप्लीट हो जाएगा। और हमें लगता है कि इस तरीके से आप इसको काफ़ी इजीली, आसानी से लिख सकते हो। बहुत आसान सा टॉपिक है ये राइटिंग स्किल का। आप इससे पहले जो फॉर्मल इनफॉर्मल पढ़े थे उसका फॉर्मेट भी थोड़ा लंबा था, लेटर टू एडिटर पढ़े वो भी, लेकिन उन सबों से ये हटकर एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्मेट, वर्ड्स लिमिटेशन भी कम है 40 to 50 words, तो ये सारी चीज़ें ऐड करके और आप नोटिस को लिखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सही से समझ गए होंगे और अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।